Hey guys, welcome back to my channel. I'm Ankita and I am back with another video. And in this video, I'm gonna show you how did I use some textile waste and made this beautiful set of bangle. Ji ha, मैंने कहा textile waste. क्यों ये textile waste है? क्योंकि मैंने कुछ time पहले एक tie and dye sari बनाया था. तो उसके लिए जो मैंने yarn use किया, tying के लिए वही यान ये है तो इसी से मैंने बैंगल सेट बनाया बट ये जैसे कि टेक्सटाइल वेस्ट है एंड ज़्यादा कुछ नहीं मिला मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेड नहीं था मेरे पास सो मैंने जितना हुआ उतना यूज़ किया सो एक बैंगल पूरा बन गया और एक बस आधा ही बन पाया तो उस वजह से मैंने उसमें कुछ और यान भी ऐड कर दिए तो ये रहा ये मैंने जो भी टेक्सटाइल वेस्ट यूज़ किया देर लाइक बहुत ही छोटे छोटे पीसेस थे सो देर आर लाइक फिलामेंट यंस एज वेल एज स्टेपल यंस हियर तो यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट कि ये फिलामेंट एंड स्टेपल होता क्या है सो फिलामेंट एंड स्टेपल आर नथिंग बट जो फिलामेंट यंस होते हैं या फिर फाइबर्स होता है एक्चुअली फिलाेंट्स आर लाइक फाइबर्स एंड स्टेपल्स आर ऑल्सो फाइबर्स इन जनरल जो होता है तो जो सिल्क यान्स होते हैं जो सिल्क फाइबर्स होते हैं जो मलबरी से या फिर कोकोन से आते हैं सिल्क वॉर्म से आते हैं तो वो फिलामेंट फाइबर्स होते हैं जो लंबे से होते हैं और जो स्टेपल यान्स होते हैं या फिर स्टेपल फाइबर्स होते हैं जो कॉटन एंड ऑल से बनते हैं वो है स्टेपल यान्स क्योंकि वो काफ़ी लंबे नहीं होते हैं बहुत ही छोटे 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 स्टेपल्स होते हैं और उन्हीं को ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट करके हम लोग लंबा सा कॉटन यान बनाते हैं जी हाँ ए सी यान के तरह तो ये यान है कॉटन यान जो हम यूज़ करते हैं क्रोशे के लिए जी हाँ ये क्रोशे बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड ये बैंगल के लिए भी काफ़ी अच्छा है बिकॉज हमने बनाया जो ये कलेक्शन ये है बोहो कलेक्शन एंड बोहो के लिए सिल्क इज़ नॉट एट ऑल ओके राइट तो उसी लिए हमने यूज़ किया है ये वाला कॉटन यान क्योंकि हम लोग इसके साथ कॉरी शेल्स एंड मिरर्स ये सब यूज़ करने वाले हैं तो ये थ्रेड या यान सबसे अच्छा होगा एंड द ग्लू हैव यूज्ड एज़ यू कैन सी ये फेविक्रिल वाला ग्लू है तो ये मैंने यूज़ किया आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो बट आई फील लाइक ये थोड़ा सा सुटेबल है सो हियर वी आर बस ये जो मिडल वाले दो बैंगल्स है वो मैंने बना लिए और एज़ यू कैन सी मैंने थोड़ा बहुत यही कलर उस टेक्सटाइल वेस्ट के साथ भी यूज़ किया एंड वो दो तो बन चुके और बाकी बनाने के लिए मैंने ऑफ वाइट एंड ऑलिव ग्रीन लिया और देखिए ये रहा हमारा जो मिडल वाला बैंगल है जो मोटा वाला उसी पर मैं थोड़ा सा वर्क करने वाली हूँ लाइक थ्रेड वर्क होगा तो पहले मैंने अटैच किए मिरर्स उसके बाद मैंने यही कॉटन यान लेकर लाइक दोनों कलर मैंने यूज़ किया यहाँ पर तो वाइट एज वेल एज ऑलिव ग्रीन इसी को लेकर क्रीपर्स बनाए मैंने एंड आई केप्ट इट वेरी मिनिमल बिकॉज हम का हमारा जो एम्फोसिस है वो साड़ी पर जाए ना कि बैंगल्स पर राइट पूरा फोकस अगर बैंगल्स पर ही चले जाएंगे तो साड़ी कौन देखेगा तो जैसे कि ये पूरा कलेक्शन बनने वाला है तो हमें ये भी करना होगा राइट और एज़ यू नो मैंने मतलब काफ़ी टाइम तक लेंदी वीडियो नहीं बनाया था येस बिकॉज आई वॉज़ अबिट बिजी आई वॉज शिफ्टिंग तो मैंने कहीं और शिफ्ट किया है मेरा लाइक like, स्टोर हो या फिर घर दोनों मैंने शिफ्ट कर लिया तो उसी वजह से आई वॉज़ एंगेज विद दोज थिंग एंड आई कुडेंट मेक लेंदी वीडियोज बट मैंने रील्स ज़रूर बनाए कुछ कुछ तो मैंने बनाया एंड हाँ तो आज से आई थॉट कि मैं टेक्सटाइल वेस्ट यूज़ करके हंड्रेड वीडियोस बनाने वाली हूँ जी हाँ हंड्रेड रील्स जो हंड्रेड डेज तक आएंगे सो दिस इज़ गोना बी अ टेक्सटाइल वेस्ट हंड्रेड डेज चैलेंज तो देखते हैं कैसा होगा एंड देखिए जो मैंने साइड बैंगल्स थे उसके लिए तो मैंने ऑफ वाइट यान यूज़ किया है और साथ में यूज़ किए है ये कॉरिशल्स जी हाँ ये कॉरिशल्स मैं कुछ कर रही हूँ जी हाँ मुझे मार लग गया चोट लग गई थी ये करते करते क्यों क्योंकि ये हमें मार्केट में ऐसा कट वाला नहीं मिलता है लाइक मिलता होगा मुझे तो नहीं मिला तो मैंने जो होल्स है उसी में ये कटर एंड ऑल घुसा कर मैंने कट करने की कोशिश की एंड उसी दौरान मुझे चोट आ गई एंड अगर आप भी ये सब कुछ करना चाहो तो मेक श्योर यू टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स जी हाँ ज़रूर लेना वरना आपको भी चोट आ सकता है तो देखिए ये एकदम स्मूथ बन गया है फाइलिंग ज़रूरी है अगर आप फाइलिंग ना करो तो आपको कहीं कटने के चांसेस है या फिर कुछ तो अगर आप फाइलिंग करो जैसे नेल्स हम फाइल करते हैं स्मूद हो जाते हैं नेल्स वैसे ही ये कॉरीज भी स्मूद हो जाएंगे और जब हमारा ये सारा कुछ बन गया है मैंने काफ़ी सारे पीसेस बना लिए फाइल कर लिए सो so उसके बाद ये बैंगल्स तो मैंने बैंगल्स के लिए एज़ यू कैन सी मैंने सारे बैंगल्स पर जो थ्रेड है वो राउंड एंड राउंड बनाकर सेट कर लिया ग्लू कर लिया और अभी बारी है ये शेल्स अटैच करने की तो इसके लिए भी मैंने जो कॉटन यान है जो ऑफ वाइट वाला है मैंने वही यूज़ किया तो देखिए ये तो बन रहा है ये तो हमारा मतलब दोनों साइड पर भी आपको अटैच करना है स्टिच करना है एंड इफ़ यू आर लेज़ी जस्ट लाइक मी तो आप ग्लू भी कर सकते हो एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने कहा लेजी बट स्टिल आई एम स्टिचिंग जी हाँ मैं स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वेल well सिक्योर्ड चाहिए अगर हम ग्लू करते हैं देर आर चांसेस कि वो निकल जाए मतलब निकलेगा तो नहीं पर फिर भी टू मेक श्योर कि ये मोर सिक्योर्ड हो उसी वजह से हम स्टिचिंग दीज तो आप वो भी कर सकते हो एंड मैंने दोनों साइड में स्टिच कर लिया एंड अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हो और आप कुछ और वीडियोस ऐसे ही देखना चाहते हो तो डू कमेंट मी एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग माय वीडियोस देन आल्सो यू कैन कमेंट बिकॉज आई एम ओपन टू टेक सजेशंस एंड अगर आप कुछ और कॉन्टेंट भी देखना चाहते हो तो भी हमें कमेंट करना एंड अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हो और यू वॉन्ट स्टे अपडेटेड तो टू फॉलोअर्स ऑन अदर सोशल मीडियाज एज वेल लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे एंड वी डोंट ओनली डिज़ाइन और मेक ज्वेलरीज लाइक बैंगल्स और इयर रिंग्स और नेकलेसेस बट वी ऑल्सो डिज़ाइन फूटवेयर क्लचेस एंड बैग्स क्लोदिंग एंड मैनी मोर थिंगस सो आपको अगर कुछ डिज़ाइन करवाना है कस्टमाइज करवाना है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डू चेक इट एंड व्हाट्सएप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंडिल दैन बय टेक केयर